अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस के बहरान के बाद सऊदी हुकूमत ने पहला कदम अबूरी उठाया कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद लोगों ने सांस लिया और अपने रोज़मर्रा कारोबार और रोज़मर्रा मामलात दोबारा उन्होंने शुरू किए। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि एहतियाती तदाबीर करके आप तमाम मामलात को ज़्यादा बखूबी अंजाम दे सकते हैं और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों को दोबारा से उसी तरह से शुरू करने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसी तरह लोग अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहे तो तमाम मामलात जो हैं वो बखूबी अंजाम दे सकेंगे और एक दूसरे के साथ जिस तरह लॉकडाउन के बीच में जो भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी उसी पर अमल किया जाए और जिसकी और अभी भी जिस जब लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुका है और मामलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गए हैं तो मास्क का इस्तेमाल वैसे ही किया जाए, ग्लव्स का इस्तेमाल भी किया जाए, सोशल डिस्टेंस भी रखा जाए। तो ये मेरी एक आप सब लोगों के से एक अपील है कि आप लोग एहतियात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, सोशल डिस्टेंस रखें, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री एरिया हो या कहीं पर भी आप लोग जाएं तो चाहे वो बैंक हो, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का रखें ताकि आप दोबारा से इस लॉकडाउन जो है वो दोबारा से शुरू ना हो और गवर्नमेंट को किसी किस्म का भी कोई दोबारा से कोई मसाइल जो है वो दरपेश ना हो। बहुत शुक्रिया।